नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जिले के गेहमर पहुंचे, साथ ही गेहमर इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री भी बांटी। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित मुलाकातों कर बातचीत की और इसके बाद सीएम बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के लिए भी निकल गए। इस बीच सीएम से मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी के 24 जनपदों के करीब 600 गांवों में बाढ़ का प्रभाव पड़ा हुआ है। प्रदेश में बाढ़ बरसात की वजह से कम बल्कि राजस्थान के कोटा बांध, एमपी के माटातीला बांध और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से अतिरिक्त जल छोड़ने की वजह से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मैंने बाढ़ प्रभावित जनपदों का दौरा किया और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा भी की। गाजीपुर में बाढ़ से 32 राजस्व गांव प्रभावित है और लगभग 1.5 लाख की आबादी से प्रभावित हुई है। मैंने यहां के राहत कार्यों की समीक्षा की है और अधिकारियों को राहत सामग्री समय पर पर्याप्त मात्रा में दिए जाने की व्यवस्था करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब नदी स्थिर है और तटवर्ती इलाकों में कटान हो सकता है, अधिकारी इस पर काम करें। पुलिस विभाग को भी लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल की टीम को हर गांव में जाने के निर्देश दिए गए, पशुओं के चारे और इलाज की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों और सभी ने कोरोना महामारी में काम किया, बाढ़ में भी लोग ऐसे ही आगे आकर मदद करेंगे। आज मैं स्वयं यहाँ पर गाजीपुर जनपद में आया हूँ। गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ के कारण लगभग 32 राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं। लगभग 1.5 लाख की आबादी कम और ज्यादा इससे प्रभावित हुई है। मैंने अभी बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राहत सामग्री का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्यों को किए जाने की समीक्षा भी की है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। अंबेडकर नगर की अकबरपुर नगर पालिका परिषद की चेयरमैन ने ईओ को बंधक बना दिया। दरअसल बैठक के दौरान चेयरमैन सरिता गुप्ता और ईओ बीना सिंह के बीच जमकर तकरार हो गई थी, जिसके बाद ईओ बीच में ही बैठक छोड़ के निकल गई थी। वही बीच में ही बैठक छोड़कर निकली ईओ को चेयरमैन और सभासदों ने उनके ही कमरे में बंधक बना लिया और सभी सभासद और चेयरमैन दरवाजे के सामने ही बैठ गए। वही मामले में एसडीएम सदर और सीओ कोतवाल दोनों पक्षों को मनाने में जुटे रहे, पर ना ही चेयरमैन मानने को तैयार दिखे और ना ही सभासद। तो चेयरमैन ने ईओ को बंधक बनाया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरवाजे के सामने चेयरमैन और सभासद बैठे हुए नजर आए। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामबाबू ने मायावती पर निशाना साधते हुए उन्हें राजनीति का विलेन बता दिया। डॉक्टर रामबाबू ने कहा है कि राजनीति को सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मायावती को बाबा साहब की नीतियों के विपरीत काम कर रही हैं और बाबा साहब ने समाज को एकजुट करने की बात कही थी और ममता के नींव पर रखा था, लेकिन मायावती ने सभी जातियों को आपस में लड़ाया है और शोषण किया है। उन्होंने बताया कि बाबा साहब ने संविधान बनाया ताकि सभी जातियों को न्याय मिल सके और किसी के भी साथ अन्याय ना हो, लेकिन मायावती का आचरण इसके बिल्कुल विपरीत है। देखिए, हम जो हमारा आयोग में अध्यक्ष के नाते हमारे उपाध्यक्ष पासवान जी, हमारी सदस्य अनीता जी, हम जो दौरा कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम जनपद में हर एक जनपद में जा रहे हैं, तो इसमें हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व की जितनी भी योजनाएं अनुसूचित समाज, अनुसूचित जनजातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ और सवर्ण गरीब समाज के लिए चल रही हैं, उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, एक तो इसकी समीक्षा करते हैं। अधिकारी के साथ बैठते हैं, अधिकारी से पूछते हैं कहाँ कितना हुआ, तो अधिकारियों को एक्टिवेट कर रहे हैं हम लोग। अधिकारी हमारे एक्टिवेट होंगे, सरकार के अनुसार काम करेंगे तो लोगों को ज़्यादा राहत मिलेगी। कहीं गलत कोई मामले आते हैं, उन गलत मामलों को हम डायरेक्शन ये भी देते हैं कि आप उन गलत मामलों में पूरी तरह से तहकीकात करिए और सही मामले का ही आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा उसको मामले को वहीं की समाप्त की, और जो भी गलत है उसके खिलाफ जो भी एज पर रूल नियमों के अनुसार जो भी कार्रवाई, उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करिए। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने मॉक ड्रिल का परीक्षण किया। आपको बता दें कि जिले की पुलिस लाइन में एसपी विजय ढुल और अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार की अगुवाई में मॉक ड्रिल और बरवा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान कई जगहों से आए पुलिस कर्मियों द्वारा मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया,
जिसमें एसपी लखीमपुर खीरी द्वारा उपकरणों के संचालन का निरीक्षण भी किया गया है। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया है। डीएम और एसपी की अगुवाई में ये पूरा आयोजन यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा में एक 20 वर्षीय युवक की जहरीले कीड़े के काटने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि हसनपुर थाना नहझील हाल निवासी गौरव बीकॉम फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जिस वजह से वह अपने बड़े भाई जसपाल के साथ रह रहा था। वहीं सोते वक्त किसी जहरीले कीड़े ने गौरव के पैर पर काट लिया। जब काफी देर हो जाने तक युवक नहीं उठा तो बड़े भाई को उसकी बेहोशी का पता चला, जिसके बाद अनफानन में उसे मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को होश में लाने के लिए कई कोशिश की, पर युवक को होश नहीं आया और 2 घंटे बाद ही युवक की जान चली गई, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो मथुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर जहरीले कीड़े के काटने से युवक की जान चली गई। दरअसल सोते वक्त उसके पैर में एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था, जिसके बाद तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये रात को आराम से सोए, सवेरे 5 बजे 4 बजे के लगभग ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे लेके आए, बताया कि सांस लेने में तकलीफ है। तो क्या लगता है कोई जहरीले कीड़े ने काटा है? ऐसा संशय था, अभी पता नहीं, देखा नहीं। अच्छा, देखा नहीं, संशय था ऐसा, पर पता नहीं। तो डेथ हो गई? दो तीन घंटे में जो कुछ हुआ, 2-3 घंटे में। कानपुर देहात में तालाब में नहाते समय 2 बच्चों की डूबने से जान चली गई, जबकि 1 बच्चे को ग्रामीणों ने जैसे तैसे बचा लिया। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे तालाब के किनारे बकरी चराने गए थे। मामले में पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला सिकंदरा के करीम नगर डेरा गांव का है, जहां गांव के ही रहने वाले 2 किशोर सुबह अपने घर से तालाब के किनारे बकरी चराने निकले थे। इसी दौरान दोनों किशोर अपने एक और साथी के साथ तालाब में नहाने लगे। कुछ ही देर बाद 3 किशोर तालाब के गहरे पानी में डूबने लगे, जिसको देख ग्रामीणों ने किसी तरह किशोर को बचा लिया, पर 2 किशोरों का पता नहीं चल सका। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से दोनों किशोरों की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद दोनों किशोरों को ढूंढकर तालाब से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बच्चे क्या करने गए थे? बकरी चराने के लिए पैर फिसल गए। पैर फिसल के तालाब में गए। कितने बजे घटना है? 9 बजे की। 9 बजे? हाँ, 9 बजे की है। सूचना किसको दी थी आपने? अरे सबको सूचना दी थी, गांव वाले सब गुस्से। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ। कितनी देर बाद आई पुलिस? तो पुलिस आ गई करीब 20-25 मिनट बाद। पुलिस आ गई, पुलिस तो आ गई, पुलिस कोई फंग नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूर हो गई है पुलिस। पुलिस भाई, पुलिस ये क्या हुआ सर? हम तो घर पे अपने चारा वगैरह बीनने जा रहे थे बकरी के लिए, तो लड़कों ने बोला तुम्हारा मंगल तालाब हनाने गया, टूट गया, उसमें तुम ढूंढते रहे पता ही रहा। कै बजे की घटना है ये? लगभग 9 बजे की। 9 बजे की फिर कैसे कैसे निकाला गया इसको? गांव वाले से मदद से निकाला उसको। करीम नगर डेरा गांव में से सूचना प्राप्त हुई थी एक आर्मी को कि बच्चे 2 बच्चे तालाब में डूब गए हैं। इसकी सूचना पे हम लोग फौरन SHO सिकंदरा और मैं वहाँ पे पहुँचे पुलिस के साथ, और देखा तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और एक बच्चा निकाल लिया गया था सुरक्षित, लेकिन 2 बच्चे डूबे हुए थे। हम लोगों ने वहाँ पे गोताखोर को बुलाकर उनको तलाश करवाई और कुछ देर तलाश करने के बाद दोनों बच्चे वहाँ तालाब से बाहर निकाले गए, जो बेहोश की हालत में थे। उनको सिकंदरा भेजा गया, वहाँ डॉक्टर ने उनका परीक्षण किया और उनको बेहोश घोषित कर दिया गया। उसके बाद उनके ग्रामीण आवश्यक कार्रवाई करने के बाद उनको कार्रवाई के आगे बढ़ दिया। मुरादाबाद में SSP ऑफिस के सामने अपनी बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से धरने पर बैठी महिला का टेंट राजनीतिक मंच बनता जा रहा है। मामले में अब राजनीतिक दखल अंदाजे भी बढ़ रही है। अलग अलग पार्टी के नेता इस धरना स्थल पर जाकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। दरअसल मझौला इलाके में रहने वाली 13 साल की बच्ची लापता हो गई थी।
किशोरी की मां ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना मझौला में लिखवाई थी। बाद में महिला ने विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति पर उसकी बेटी का अपहरण करने का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक आरोपी और उसकी नाबालिग बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं अपनी नाबालिग बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर महिला 14 जुलाई से एसएसपी ऑफिस के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठी है। अब उस टेंट पर कई राजनीतिक पार्टियों के नेता पहुंचकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं और इंसाफ के लिए लगाया गया ये टेंट धीरे धीरे राजनीतिक मंच बनता जा रहा है। वहीं आज सामाजिक कार्यकर्ती पूनम पंडित और समाजवादी पार्टी नेता और कई कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है। हम पीड़ित परिवार के साथ है, पूरी समाजवादी पार्टी मुरादाबाद जिले की पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हमारी जो महिला बहनें हैं वो भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी, हम लोग भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उसकी मदद के लिए आज हमने पुलिस प्रशासन से बात की है, उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि उन्होंने इसकी तफ्तीश संभल भेज दी। हमने उनसे निवेदन किया है अधिकारी से कि तफ्तीश मुरादाबाद जनपद से कराई जाए और इनको शीघ्र शीघ्र लड़की बरामद करके इनको न्याय दिलाया जाए। जहाँ भी इनकी लड़की हो उसको सैकुशल वापस लाया जाए। बुलंदशहर कोने पर खबर पहुँच गई कि एक महिला बैठी हुई अपनी बेटी के लिए, 13 साल की बेटी है और वो जो है मिल नहीं पा रही है। पूरे मुरादाबाद को पता है, यही करते हैं भैया, बेटी है, इन पे मुकदमा होवे, जिन पे इन्होंने कार्रवाई की मांग करी है। अज्ञात में इन्होंने किसी के नाम दर्ज रिपोर्ट कराई है, लेकिन वो अज्ञात में लिखा। ये हमारी नाकामी मानो, जो हमने हमारी बहनों ने इन्होंने लड़कियां पैदा करी, हमारी मानोगे और आप किसकी मानोगे? आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, आपको नहीं पता किसकी नाकामी है? आपको भी पता, सबको पता किसकी नाकामी है, सरकार की नाकामी है, सभी को पता किसकी है? तो हमारी नाकामी है कि हम आने वाले समय में लड़की को जन्म दे रहे हैं, हमारी नाकामी है क्या? ये इतने अधिकारी हैं ISPCS जो हैं, जो मुरादाबाद के, अगर आप उनसे उनके जवाब लोगे तो और ज्यादा बेहतर वो जवाब दे पाएंगे कि क्या कारण है। एक माँ एक महीने से धरने पर बैठी है, धरना खत्म करने की बात चल रही है, लेकिन उनकी बेटी को बरामद करने की क्या बात है, क्या आश्वासन आप दे रहे हो? तो वो ज्यादा दे पाएंगे इसको जवाब, क्योंकि भैया पावर उनके हाथ में, मेरे हाथ में तो कुछ ना भाई। हम क्या कर सकते हैं? हम आवाज उठा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। बुलंदशहर में पूर्व विधायक जगवीर सिंह का निधन हो गया। आपको बता दें कि जगवीर सिंह ने 1957 से 1962 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से जीत हासिल की थी। बुलंदशहर में अगौता क्षेत्र के पूर्व विधायक का बृहस्पतिवार को निधन हो गया, जिससे उनके समर्थकों में भी मायूसी छाई हुई है। पूर्व विधायक के पुत्र डॉक्टर विजय सिरोही ने बताया कि उनके पिता अगौता क्षेत्र से विधायक रहकर लोगों की सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। जगवीर सिंह सन 1957 में पहली बार अगौता विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद जनता ने दोबारा 1962 के चुनावों में उन्हें जिताकर एक बार फिर विधानसभा भेजा था। डॉक्टर विजय सिरोही ने बताया कि 90 वर्षीय पिता जगवीर सिंह सिरोही का अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें नोएडा ले जा रहे थे, जहां रास्ते में ही उनका निधन हो गया। वहीं उनके निधन के बाद पूर्व विधायक का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया है। तो पूर्व विधायक जगदीश सिंह का निधन हो गया है और जिसके बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल बुलंदशहर में पूर्व विधायक जगदीश सिंह के निधन से आसपास शोक का माहौल है। आपको बता दें कि जगवीर सिंह ने 1957 से 1962 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से जीत हासिल की थी और काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं। बुलंदशहर में अगौता क्षेत्र के पूर्व विधायक का बृहस्पतिवार को निधन हुआ, जिससे उनके समर्थकों में मायूसी छाई हुई है। परिवार को लगातार सांत्वनाएं दी जा रही हैं। पूर्व विधायक के बेटे डॉक्टर विजय सिरोही ने बताया कि उनके पिता अगौता क्षेत्र से विधायक रहकर लोगों की लगातार सेवा करते आए हैं और इसी के लिए वो जाने भी जाते हैं। जगवीर सिंह सन 1957 में पहली बार अगौता विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद जनता ने दोबारा 1962 के चुनावों में उन्हें जिताकर एक बार फिर विधानसभा भेजा। वहीं 90 साल के उनके पिता जगवीर सिंह सिरोही का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लखीमपुर में एक बार फिर बैंक कर्मियों की लापरवाही देखने को मिली। मामला लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर कस्बे का इलाहाबाद बैंक का है, जहां पर सुबह से ही बैंक का सायरन बजता रहा, जिससे लोगों में किसी अनहोनी के होने की आशंका का डर बना था। वहीं जब हमारी टीम ने इस पूरे मामले की जानकारी ली, तब इलाहाबाद शाखा के मैनेजर राकेश कुमार ने बताया कि सायरन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लगातार बज रहा था। तो लखीमपुर का एक पूरा मामला है, जहां पर बैंक में
बैंक कर्मियों की लापरवाही देखने को मिली है। मामला लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर कस्बे का है, जहां पर इलाहाबाद बैंक का सायरन जो है वो सुबह से बज रहा था। ऐसे में लोगों में डर का माहौल था, लेकिन जब छानबीन की गई तो पता चला कि सायरन टेक्निकल कमी की वजह से लगातार बज रहा था। फिलहाल उसे ठीक कर लिया गया है। मेरठ में परविंदर हत्याकांड में पुलिस की तरफ से कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों और आरजेडी सपा के कार्यकर्ता थाना परिसर में धरने पर बैठे हैं। एक हफ्ता पहले परविंदर की धारदार हथियार से गला रेत कर और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हत्याकांड में कोई कार्रवाई न होने की वजह से ग्रामीणों में खासा रोष है, जिसको लेकर ग्रामीण और आरजेडी और सपा के कार्यकर्ता लगातार थाना परिसर में कार्रवाई न करने के विरोध में धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मेरठ का एक पूरा मामला है, जहां पर परविंदर हत्याकांड में पुलिस की तरफ से कार्रवाई न होने से ग्रामीणों और सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा भाई 11 दिन पहले परविंदर यहाँ टिगरी गाँव का निवासी था, उसकी भयानक तरीके से हत्या कर दी गई। 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई। ये गांव में आक्रोश है, तो कल लोकदल ने अपना धरना कहा है कि गांव सभी गांव के लोगों के साथ मिलके यहां धरना दिया जाएगा, मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। हम यहां आ गए हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, जिनका जो जिसके साथ घटना घटी है उनकी घरवाली यहां मौजूद है। न्याय हमें चाहिए, न्याय हम लेके जाएंगे। ये मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में ट्रक ने चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के चलते वहां काफी देर तक जाम लगा रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर इलाज के दौरान व्यक्ति की जान चली गई। वहीं टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इसी के साथ पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हाजिर रियाज अहमद के घर की लड़ाई अब मैदान में आ गई है। पहले हाजिर रियाज अहमद के बेटे शाने अली ने समाजवादी पार्टी से 127 सदर सीट से अपना दावा किया था, जिसके बाद अब हाजिर रियाज के दामाद मोहम्मद आरिफ ने भी 30 सीट से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का दावा किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हाजिर जी की विरासत में मैं ही संभालना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की बात कही थी। वहीं दामाद होने के नाते मुझको हर जगह आगे करते थे। वहीं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई भी समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा। तो ये घर की लड़ाई जो है वो मैदान में होती हुई नजर आ रही है। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला, जहां पर पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हाजिर रियाज अहमद के घर की लड़ाई मैदान में नजर आ रही है। पहली हाजिर रियाज अहमद के बेटे शाने अली ने समाजवादी पार्टी से 127 सदस्य सीट से अपना दावा किया, तो वहीं अब उसके बाद हाजिर रियाज के दामाद मोहम्मद आरिफ ने भी इसी सीट से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का दावा किया है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हाजिर जी की विरासत मैं संभालना चाहता हूं और वो लगातार मेरे पर भरोसा करते थे और मेरे को ही हर काम में आगे रखते थे। अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन समाजवादी साथियों के साथ, अपने उन मंत्री जी के पुराने साथियों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करना है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं पर भी जनता को 127 विधानसभा की एक जिले की हाजिर आजम साहब की कमी का एहसास मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ना हो। इंडिगो एयरलाइंस की बंगलौर से बरेली की सेवा 14 अगस्त को शुरू होने जा रही है, और इस रूट की पहली उड़ान को मथुरा के पायलट आकाश सोलंकी ऑपरेट करने वाले हैं। आकाश एयरबेस A320 विमान को बेंगलोर से सुबह 8:40 पर टेक ऑफ कर 11:30 पर बरेली में लैंड करेंगे। आकाश ग्राम पोलवा के निवासी हैं। उन्होंने बरेली से ही अपनी पढ़ाई की है। पायलट बनने की प्रेरणा आकाश को अपने बड़े भाई से मिली है, जो दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस के एयरबेस A380 विमान के पायलट हैं।
आकाश के पिता चंद्रभान सिंह रेलवे से रिटायर्ड हैं। बता दें कि आकाश ने पायलट बनने के साथ ही खेल जगत में भी कई ऊंचाइयों को छुआ है। आकाश शूटिंग के नेशनल प्लेयर भी हैं और यूथ ओलंपिक गेम्स के ट्रायल भी दे चुके हैं। आकाश युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि सक्सेस की परिभाषा सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि अच्छा छात्र, अच्छा मित्र और अच्छा नागरिक बनना भी है। बिजनौर के गौर अली खां इलाके में दिनदहाड़े पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। हालांकि अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। बिजनौर का एक पूरा मामला है जहां पर एक पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। हत्या के पीछे के कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो बिजनौर का ही पूरा मामला है जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। एक आज ये सुबह की घटना है। करीब जो है 9 बजे के आसपास जो है इनके पति जो है शद्दो जो है वो घर पे आए और उन्हें गोली मार दिया गया। कमरे में गए उनके पति पत्नी है दोनों लोग जो है। इनका एक्चुअली पैसे को लेकर के बात था लेकिन थोड़ा सुधाला और शद्दो जो इसी मोहल्ले के हैं जो है वर्तमान में 4 दिन में रह रहे हैं लेकिन पैसे का विवाद चल रहा था इनका काफ़ी दिनों से और उसमें पैसे के लेन देन के चक्कर में इन्होंने जो है आज सुबह आकर के दोनों लोग गए पति पत्नी के कमरे में और वहीं पर इन्होंने गोली मार दी जिससे इनकी अजीम की मृत्यु हो गई है। और हम लोग इसको 2 टीमें लगा करके इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। अब्दुल्ला पुलिस द्वारा तत्कालीन करके इसमें अग्रिम लिखित कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के थाना कोतवाली क्षेत्र में भाकियू अंबावत के सैकड़ों किसानों ने गन्ने का रेट 500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 6 शुगर मिलों पर किसानों का 1 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है जिसका भुगतान शुगर मिल नहीं कर रही और न ही मामले में कोई सुनवाई हो रही है। इसके साथ ही किसानों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिकायत के बावजूद बिजली विभाग बिजली के जर्जर तारों को नहीं बदल रहा। वहीं बिजली विभाग की इस लापरवाही के चलते हर साल कई किसान मजदूर बिजली की तारों की चपेट में आ जाते हैं। आपको बता दें कि मामले में किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिससे किसान परेशान हैं और धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। गन्ने का भी है और भी हमारी समस्या कटान की बता रहे हैं। ये काम किसका है? सरकार का है। तो इन पे ये गौर नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ और कुछ नहीं है इनका। इनका तो वोटों पे नजर। मुख्य समस्या 2000 रुपए डाल रहे हैं किसान के खाते में। 6000 रुपए एक साल के हैं। वो डीजल का भाव देखिए कहाँ पहुँच गया। वो हमारी जेब से लेकर के पैसा हमारी जेब में ही डाल रहे हैं। हमें हराम का न चाहिए। हमें यह है कि जो किसान की जरूरत में आने वाली चीज खाद है, डीजल है, इनके पैसे कम करो, इनके रेट कम करो। कारण यहाँ ये है कि ये तो वो है कि सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर के काम कर रही है। किसान को मिटाने का काम इन्होंने किया है। हम इस आंदोलन को जो हमारा चल रहा है संयुक्त मोर्चे का, इस आंदोलन को अभी 5 तारीख को भी मीटिंग है, 18 को लखनऊ में है। तो हम सब लोग जो संयुक्त मोर्चे हैं, हमारी यूनियन है, टिकैत है, सब मिल करके किसान की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसको अधिकारियों को भी हम यही अवगत कराने आए हैं कि भाई कल मत कहना, 1 महीने बाद ताला लगाएंगे यहाँ। और उस दिन किसान भी आज तो अल्टीमेटम देने आए हैं। खाली अल्टीमेटम है हमारा, मांगे पूरी नहीं, तालाबंदी की। तालाबंदी। कासगंज में खनन माफियाओं को प्रशासन का कोई डर नहीं है। खनन माफिया खुलेआम भारी मात्रा में खनन कर रहे हैं। खनन सामग्री लिए ये ट्रैक्टर खुलेआम सुबह 5 बजे सुरपुरा थाना क्षेत्र से होकर गुजरते हैं पर फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गौर करने वाली बात यह है कि 2 थानों की सीमाओं से होकर गुजरने के बावजूद ना ही इन ट्रैक्टरों पर कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही इस काले कारनामे को अंजाम देने वाले खनन माफियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही और ना ही कोई भी एक्शन लिया जा रहा है। और ये खनन माफिया धरने से खनन करते हैं और राजस्व को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।